अपने लोगों का जजमेंट दिल को शूल सच उठता है। जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं वे तुम्हें कभी माफ नहीं करते। मेहरा साहब जब भी तिया के साथ होते थे खुश रहते। मेहरा साहब किसी पर आश्रित नहीं थे। उस दुनिया में बूढ़ी जादीगरनी औरत जो अन्ना जी थी, एक घर परिवार वाला आदमी जो सेब के बागवान की देखरेख के लिए छुट्टियों में आता था, और एक डॉक्टर, उस दुनिया में जगहें भी बहुत हद तक निश्चित थी। पर आश्रित तो सब होते हैं, कोई ईश्वर के ऊपर भी आश्रित होता है। श्री वर्मा ईश्वर की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखते हैं, ईश्वर के न होने का अभाव, जैसे कोई सगा संबंधी हमें छोड़कर चला जाता है, वैसा अभाव नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज का अभाव जिसे कभी देखा ही नहीं, जैसे निसंतान माँ को बच्चे के न होने का कष्ट होता है, ईश्वर के न होने का कष्ट। जब आश्रय के लिए कुछ रह ही न जाए तो हम किस पर अपनी उम्मीद लगाएंगे। कई दफे न होना बताता है कि होना कितना आवश्यक था। मेहरा साहब एक बार लेखक को निरंजन बाबू से संबंधित प्रसंग बतलाते हैं कि कैसे एक बाबा ने उन्हें बोध कराया था कि सही जगह की तलाश में होते हुए कोई सही जगह नहीं है। मेहरा साहब कहते हैं, जानते हो इस दुनिया में कितनी दुनियाएं खाली पड़ी रहती हैं, जबकि लोग गलत जगह पर रहकर सारी जिंदगी गंवा देते हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो। मेहरा साहब अंतिम दिनों में चाहते थे कि वो अपनी बेटी तिया से मिले। वो बहुत उत्साहित भी थे। श्री वर्मा लिखते हैं, बीते हुए सुखों की तुलना में कभी ना आने वाले सुख हमेशा स्वच्छ और चमकीले दिखाई देते हैं। उन पर समय की धूल नहीं गिरती, वे कभी मैले नहीं पड़ते। मेहरा साहब की यह इच्छा किसी दराज में बंद हो जाती है। वे बीमार हो जाते हैं और एक लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मेहरा साहब की मृत्यु एक घटना ही थी। मृत्यु एक घटना ही है। मेहरा साहब की अस्थियों को लेकर लेखक पारुल कोट ने प्रवाहित करता है। वे पारुल कोट को गंगा की ही एक छोटी धारा प्रवाहित करते हैं। वे मेहरा साहब को मुक्ति देना चाहते थे। भटकते हुए, भूलते हुए, रास्ते पूछते हुए लेखक अस्थियों को लेकर वहां पहुंचता है। वहां एक साधु जिसने कौओं को आमंत्रित किया कि वे मेहरा साहब की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। श्री वर्मा लिखते हैं, पानी में खड़ा मैं दूर तक जाता हुआ उन्हें देखता रहा, जो कहीं न था, और तब तक एक क्षण के लिए मुझे लगा जैसे मैं बहुत दूर हो गया हूँ, मानो मेरा कोई एक हिस्सा उनके साथ भी बह गया है। मैं जहाँ वापस लौटूंगा वहाँ नहीं होऊंगा। जो उन्हें अपने साथ लाया था न वह जो उनके पास आया था। अशोक वाजपेयी जी उपन्यास पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, वास्तव में यह उपन्यास वृद्धों के एकाकीपन का उपन्यास है, पर सिर्फ वही न होकर एक आध्यात्म से भरा हुआ और कालबोध कराता उपन्यास है। उपन्यास के पात्र स्वयं में एक दार्शनिक जान पड़ते हैं, अपने जीवन में सही जगह की तलाश में हैं। एक दो पृष्ठों के अंतर पर उपन्यास के ऐसी वैचारिक उक्तियां आ जाती हैं जो पाठक को प्रभावित करती हैं, जैसे कि जब ज्ञान आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, तब आदमी उसके काबिल नहीं रहता है, वह अपने चिमटे से सुख नहीं उसकी राख उठाने आता है। समय वहां वहां है जहां जहां हम बीते हैं। मरने के बाद आदमी अपने से छूटकर कितने लोगों के बीच बढ़ जाता है। उपन्यास के कवर पर लिखा था, पूरा उपन्यास मानो एक प्रार्थना है, जहां होने की पवित्रता को आशा आकांक्षा दूषित नहीं कर पाती। हालांकि निर्मल वर्मा जी का साहित्य ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं रहा है, पर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि लोकप्रिय को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। धन्यवाद। मेरी ओर से ठीक है, इसकी भी समीक्षा तुम्हें करनी है, ठीक है।